ग्रूमिंग होता क्या है, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन वो चीज़ होता है जो कि आपके प्रति, या फिर आपने भी कभी ना कभी किसी इंसान से जब मुलाकात किया होगा कि ये बंदा ऐसा है या फिर ये बंदी ऐसी है, ऐसा कोई एक थॉट आप निकाल के लेके आते हो, वो चीज़ कहाँ से आता है? वो चीज़ आता है उसके इंप्रेशन से, वो दिखने में कैसा है या फिर उसका जो पॉस्चर है, जेस्चर है, या फिर उसकी उसने क्या पहना है, इन सभी चीज़ों को मिला के होता है उसका एक इंप्रेशन जो आप देखते हो और वही चीज़ आपके दिमाग में छप जाता है कि वो कैसा है। ठीक है, तो उसी चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे कि अपने आप को कैसे सुधारा जाए या फिर अपने आप को कैसे ठीक किया जाए ग्रूमिंग के द्वारा। तो अभी मैं बात करूंगा पर्सनल हाइजीन के बारे में। पर्सनल हाइजीन ग्रूमिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर्सनल हाइजीन में आता है आपको किस तरीके से आपके शरीर को साफ रखना है। उस चीज़ में सबसे पहला आता है नहाना। अगर आप अच्छे से नहाते हो तो आपके शरीर से कोई भी किसी भी तरीके का दुर्गंध नहीं निकलेगा और उस चीज़ से आप साफ रहोगे। अगर गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा आप स्वेट करते हो, तो आपको दिन में दो बार नहाना चाहिए। सुबह एक बार आप नहाओगे डेफिनेटली, उसके बाद आप शाम को भी एक बार नहाओगे। इन ड्यूरिंग नहाने के बाद ही आप कुछ ना कुछ बॉडी ऑर्डर या फिर कुछ ना कुछ टैल्कम पाउडर जरूर यूज़ करना होगा, ताकि नहाने के बाद ही आपके शरीर से एक अच्छा सा फ्रेगनेंस निकले और उस चीज़ से आप अच्छे दिखो या फिर आप महकते रहो। सेकेंड थिंग होगा आपके बाल। आपके बालों को कम से कम एक हफ्ते में दो बार तो ज़रूर शैम्पू करना होगा या फिर उसको साफ करना होगा, क्योंकि बाल ही एक ऐसा चीज़ है जो खुले में रहता है, उसमें हवा लगता रहता है, मॉइस्चर लगता रहता है और उसमें धूल चिपकता रहता है। हम लोग अगर उस चीज़ को अवॉइड करते रहें तो हमारे बालों से भी एक तरीके का क्या बोलते हैं उसको, कि वो गंदा दिखेगा। अगर वो गंदा दिखे तो आपका इंप्रेशन उस चीज़ के सामने सही नहीं बैठेगा। उसके बाद आता है आपका दांत। आपके मुंह के अंदर जो दांत है, दांत को अगर आप साफ रखोगे तो वो चीज़ दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपके मुंह से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं निकलना चाहिए कि खाना खाया, कुछ भी खाया, पान खाया, तंबाकू खाया, चबाया, उसके बाद आपके दांत पूरे लाल हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक बार ब्रश किया है तो उस चीज़ को आपको दिन भर मेंटेन करना होगा। आपके दांतों को हमेशा साफ रखने का कोशिश करें, ताकि आप जब बात करें या फिर स्माइल करें तो आपके दांतों से वो चीज़ दिखे कि नहीं उसका दांत काफ़ी साफ है या फिर दिखने में वो बंदा या बंदी अच्छी लग रही है। उसके बाद आएगा आपका ब्रेथ, जिसको बोलते हैं हम लोग सांस। जब आप सांस ले रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं या फिर आपको नींद आ रहा है, आप जोर से सांस छोड़ रहे हैं, तो उन चीज़ों के सामने आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। जैसे आपको उस टाइम पे आपके मुंह के सामने हाथ रखना चाहिए, या फिर आपको छींक आ गया तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, या तो आप अपना रुमाल यूज़ करें या फिर आप किसी भी ऐसी जगह पे छींकें ताकि वहाँ पे कोई और दूसरा बंदा ना हो, या फिर उस चीज़ को आप अवॉइड करें रुमाल के द्वारा। ये चीज़ एक हाइजीन में भी आता है और ये चीज़ एक मैनर्स में भी आता है, ताकि आप किसी और के सामने कैसे छींक रहे हैं या फिर कैसे उस चीज़ को आप प्रोट्रे कर रहे हैं। उसके बाद आएगा दोस्तों नाखून। हमारे शरीर में, हमारे उंगलियों में नाखून जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग उस चीज़ के ऊपर बहुत ही कम ध्यान देते हैं और उस चीज़ को हमेशा हमको साफ रखना होता है। आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए, वीकली आपको एक बार नाखून ज़रूर काटना है और उसको देखना है कि वो साफ है कि नहीं है। आप अगर किसी से हाथ मिला रहे हैं तो आपका हाथ हमेशा साफ होना चाहिए। ठीक है, आपने नहा लिया, आपका सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी आप किसी से हाथ मिला रहे हो या फिर आप बाहर घूम के आए हो, आपके हाथों में जर्म्स हो सकता है, आपका हाथ में कुछ गंदगी हो सकती है, तो आप हमेशा अपने हाथों को साफ रखें। एक और चीज़ दोस्तों की मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आपने नहा लिया, सब कुछ आपका ठीक है, लेकिन आपने जो कपड़ा पहना हुआ है वो पुराना कपड़ा है, उसमें पिछले दिन का पसीना लगा हुआ है, उस चीज़ को आप एक काम करें, उसको आप भले ही वो नया कपड़ा ना हो लेकिन वो कपड़ा साफ होना चाहिए। गर्मियों का मौसम में बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं हम लोग, तो उससे क्या होता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। कपड़े गंदे होने के बाद उसको हम लोग दोबारा यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन वो यूज़ करना सही नहीं होता। एक और चीज़ है, आपके कपड़े पुराने भी हों लेकिन उस कपड़े को आपको आयरन करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, ताकि वो कपड़ा पुराना होते हुए भी वो चीज़ आपके आप में अच्छा लगे। उसके बाद हम बात करेंगे, अभी ये ख़त्म हो गया है हमारा पर्सनल हाइजीन वाला पार्ट, तो अभी हम बात करेंगे ड्रेसिंग सेंस के बारे में। ड्रेसिंग सेंस भी ग्रूमिंग का एक बहुत ही अहम पार्ट है। इसमें आपको दो ही चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। अभी इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे सकता हूँ। जो कपड़ा आप शादी में पहन के जाते हो ना, वो कपड़ा आप पहन के घूमने तो नहीं जाओगे, वो कपड़ा पहन के आप ऑफिस में नहीं जाओगे, वो कपड़ा पहन के आप स्कूल या फिर कॉलेजेस में नहीं जाओगे। तो ये इसी चीज़ से आप एक चीज़ पता कर सकते हो कि जो शादी में हम लोग जो झिकमिक झिकमिक वाला कपड़ा पहन के जाते हैं, जो एक गॉर्जियस सा कपड़ा पहन के जाते हैं, वो कपड़ा पहन के हम घूमने नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, पार्टी करने नहीं जाएंगे, उस चीज़ के लिए अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग एक कपड़े का कैटेगरी है, उस कैटेगरी में वो गिरता है। आपको समझने के लिए मैं एक आसान सा बात लगा रहा हूँ। जो मैंने अभी शर्ट पहना हुआ है उसको आप फॉर्मल शर्ट बोल सकते हो, उसके साथ एक ब्लैक कलर का पैंट, ब्लैक कलर का बेल्ट और ब्लैक कलर का शू। शू का कलर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने ब्लैक कलर का बेल्ट पहना है तो आपको ब्लैक कलर का शू कैरी करना चाहिए।
अगर आपने ब्राउन कलर का बेल्ट पहना है तो आपको ब्राउन कलर का शू पहनना चाहिए, ये होता है एक मैच। अगर आपने बेल्ट ब्लैक कलर का पहना है तो आपके साथ ब्लैक कलर का टाई होना चाहिए, ये हो गया आपका फॉर्मल अटायर। यही चीज़ें आप पहन के आप इंटरव्यू पे भी जा सकते हो। लेकिन इनफॉर्मल कैटेगरी में आता है टी शर्ट, जीन्स, शॉर्ट्स एंड हाफ पैंट्स। वो सब चीज़ें पहन के आप इंटरव्यू में नहीं जा सकते, वो सब चीज़ें पहन के आप किसी क्लासरूम में नहीं जा सकते, वो सब चीज़ें पहन के आप किसी सेमिनार, किसी प्रेजेंटेशन या फिर कोई भी एक पब्लिक अवेयरनेस कैंप में नहीं जा सकते, जहाँ पे एक फॉर्मल स्ट्रक्चर चल रहा है। जैसे कि ये सब चीज़ें पहन के, जैसे कि आपने एक जीन्स और टी शर्ट पहना है, एक हाफ पैंट पहना है, जैसे कि आप घर में रहते हैं, वो सभी चीज़ें पहन के तो आप किसी पब्लिक फंक्शन या पब्लिक मीटिंग में नहीं जाएंगे। यही एक बेसिक से डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल। अभी मैं आपको फॉर्मल के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगा। फॉर्मल ड्रेस मैंने आपको जो बताया वो तो एक है ही, उसके साथ साथ आपको काफ़ी और सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग आ गया आपके बालों के बारे में, आपके हेयर्स जो हैं वो आपके कॉलर तक टच नहीं होने चाहिए, आपके बाल छोटे होने चाहिए, आपको प्रॉपर शेव किया हुआ होना चाहिए, आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए, जो कि मैंने पहले भी आपको ग्रूमिंग्स में, पहले आपके पर्सनल हाइजीन में बताया था। इन्हीं सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद आ गया आपका इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल में आपको कुछ भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इनफॉर्मल आपको ऐसे ही पता चलता है, हैंग आउट, नॉर्मल कैजुअल रहना है, उसमें आप कुछ भी पहन सकते हो, लेकिन उसमें आपको साफ रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी आप एक नए इंसान से मिल रहे हो, उसके साथ आपको एक फॉर्मल बात करना चाहिए, उसको उसके साथ आपको अच्छे से बात करना चाहिए, उसको आपको ग्रीट करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को मिला के एक फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस आता है। अभी मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में बोलूँगा, लड़कियों का है सेम थिंग। अगर आप लड़की हैं, अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं, आपने लहंगा पहना है, आपने साड़ी पहना है, आपने कुछ हैवी सा मटेरियल वाला कपड़ा पहना है, वही चीज़ पहन के आप ऑफिस नहीं जा सकते। वही जितना मेकअप आपने शादी में किया हुआ है, वही सेम मेकअप पहन के तो आप करके आप कॉलेज या फिर स्कूल या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी क्लास में नहीं जाओगे। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। से इन सिंपल, अगर आपको फॉर्मल रहना है, वॉर्म रहना है, आपको प्रेजेंटेबल दिखना है, तो आपको लाइट मेकअप करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको कोई भी आवाज़ करने वाला, जैसे कि चुनरी हो गया, उसमें कुछ बॉल्स लगे हुए हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स लगा हुआ है, उससे आवाज़ निकल रहा है, हाथों में बैंगल्स है, माथे पे बिंदी है, या फिर बहुत सारा हैवी मेकअप है, उस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो सब चीज़ें ना क्या करेंगे, आपके एक जो इंप्रेशन है, उस इंप्रेशन से आपको देखने वाला जो इंसान है या फिर आपको जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी हर एक चीज़ को, एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देता है, आपके ऊपर उस चीज़ का फोकस नहीं करता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है आपके खुद के लिए, क्योंकि आप खुद प्रेजेंटेबल बनना चाहते हो और उस चीज़ को वो चीज़ डिवाइड करता है। एक और चीज़ है बालों के लिए, क्योंकि लड़कियां हमेशा बाल खुला छोड़ती हैं, लेकिन उस खुले छोड़ने में भी एक स्टेप है। अगर आपका नेक तक बाल आ रहा है तो आप उसको खुला छोड़ दें, अगर आपका बाल नेक तक नहीं है, उससे लंबा है, तो आप उसको बांध के रखें, ठीक है। तब उससे क्या लगेगा, आप प्रेजेंटेबल हो, आपका एक पर्सोना है, आपका एक पर्सनालिटी है, वो चीज़ उसके सामने उभर के आएगा। एक और चीज़ आएगा, जैसे कि अगर आप इंटरव्यूज़ वगैरह में जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक लाइट कलर का कुर्ता या फिर सलवार, अगर आप इंडियन वे में अगर आप जाना चाहते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप शर्ट, पैंट्स और ब्लेजर भी पहन सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है फॉर्मल के लिए। अब इनफॉर्मल की बात करूँ तो लड़का और लड़की में आजकल तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, आप टी शर्ट यूज़ कर सकते हैं, जीन्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसा अटायर जो आप ज़्यादा कंफर्टेबली कैरी कर सकें। मैं आपको एक ही चीज़ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप वो चीज़ पहने जो चीज़ आप कैरी कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फिल्म स्टार को देखा, समझ लीजिए कि आपने सलमान खान को देखा, लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, आप वहाँ पर फटा हुआ जीन्स देखा, आपने पहन लिया, लेकिन वो चीज़ हो सकता है कि वहाँ पे अच्छा लग रहा हो, आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा हो। लड़कियों के लिए बोल सकता हूँ कि आपने किसी हीरोइन को देखा, आपने ऐसा कपड़ा पहनते हुए, उसके बाद आपने उसी चीज़ अपने ऊपर ट्राई कर लिया। वो चीज़ ट्राई करने से पहले आप दोस्तों का सलाह मशवरा लें, या फिर ऐसे किसी बंदे से पूछें जो बायस्ड है आपको लेके नहीं, जो आपको अच्छा दिखे बोलने के लिए नहीं, आपके ऊपर एक अच्छा ओपिनियन देके नहीं, तुम्हें ये अच्छा लग रहा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है। अगर वो बोले कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें। अगर एक चीज़, एक बंदे को अगर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अगर आप रोड पर जाएंगे तो उस चीज़ का एक गलत इंप्रेशन बैठेगा। आप जिस तरीके का पर्सनैलिटी आपका नहीं है, उस कपड़े की वजह से आपका पर्सनैलिटी और भी खराब हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये सभी चीज़ें अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा है तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, हमारे बारे में और लिखिए कि आपको और किन किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना है। हम हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस लेके आएंगे।